सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, अज असीं ऑनलाइन लर्निंग राही दसवीं जमात का पाठ दूजा पढ़ांगे। पाठ का नाम है HTML फंडामेंटल्स। HTML HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट का अर्थ है मशीन नूं पढ़न योग टेक्स्ट अते मार्कअप का अर्थ है इसनों एक खास फॉर्मेट विच स्ट्रक्चर करना। इसलिए HTML नूं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा कहा जाता है, क्योंकि यह एक अजिही भाषा है जो टेक्स्ट नूं इंटरनेट दे डाटा नाल जोड़न दी अते दिख नूं बेहतर बनाउण अते उपभोक्तावां नूं संगठित करन दी आग्या दिंदा है। HTML एक वेब दी डिजाइनिंग करन ले वर्ती जान वाली भाषा है, जिस विच टेक्स्ट ग्राफिक्स अते होर जानकारी इकट्ठी करके फॉर्मेट कितियां जांदियां हन अते एक दूजे नाल लिंक कितियां जांदियां हन। टैग HTML एक टैग आधारित भाषा है। HTML दस्तावेजां नूं टैग्स द्वारा दर्शाया जांदा है। जो कमांड नूं टैग विच परिभाषित नहीं किया जाता तो टैग ब्राउजर विच टेक्स्ट के रूप में वर्त्या जाता है। सब तो पहला HTML टैग। HTML टैग तो दस्तावेज शुरू किया जाता है अते /HTML टैग नाल बंद हुंदा है। ए वेब ब्राउजर नूं सूचित करता है कि किथे वेब पेज शुरू होवेगा अते ए किथे खत्म होवेगा। अगला टैग है हेड टैग। हेड टैग हेडिंग यानी सिरलेख बारे जानकारी देता है। डॉक्यूमेंट दी हेडिंग हेड टैग विच लिखी जाती है अते हेड टैग नू एक वेब पेज लई बहुत महत्वपूर्ण मनिया जाता है। ए हेड टैग नाल शुरू हुंदा है अते स्लैश हेड टैग नाल खत्म हुंदा है। टाइटल टैग। टाइटल टैग वेब पेज दा सिरलेख प्रभाषित करता है जो वेब ब्राउजर दे टाइटल बार ते प्रदर्शित हुंदा है जदों वेब पेज नू वेब ब्राउजर विच लोड किया जाता है। नेक्स्ट है बॉडी टैग। बॉडी टैग वेब ब्राउजर विच वेब पन्ने विच लोड होने ते वेब ब्राउजर ते प्रदर्शित करन वाली असल जानकारी रखता है। इस विच टेक्स्ट चित्र ऑडियो वीडियो आदि दे तत् जा कंटेंट शामिल हो सकते हैं। यह कंटेंट बॉडी टैग अते स्लैश बॉडी टैग दे विचकार परिभाषित होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेब ब्राउजर। वेब पेजेस किसी भी वेब ब्राउजर विच खोले जा सकते हैं। सब तो पहला असी इंटरनेट एक्सप्लोरर बारे पढ़ांगे। इसनो MSIE यानी माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर भी कहा जाता है दे तौर ते जानिया जाता है। यह वर्ल्ड वाइड वेब दा सब तो ज्यादा वर्त्या जान वाला वेब ब्राउजर है। यह 1999 तो हुन तक सब तो वध प्रसिद्ध वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम। गूगल राही तैयार किया गूगल क्रोम एक फ्रीवेयर वेब ब्राउजर है। यह पहला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ले 2008 विच जारी किया गया सी अते बाद विच लाइनेक्स ओएस एक्स आईओएस अते एंड्रॉइड ले पोर्ट किया गया। स्पीड सरलता सुरक्षा गूगल क्रोम दिया मुख्य विशेषतावां हन। मोज़िला फायरफॉक्स। मोज़िला फायरफॉक्स मोज़िला फाउंडेशन अते इस दी सहायक कॉर्पोरेशन द्वारा एक मुफ्त अते ओपन सोर्स ब्राउजर विकसित किया गया है। लास्ट है ओपेरा। ओपेरा एक वेब ब्राउजर है जो कि ओपेरा सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ओएस एक्स अते लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लई नवीनतम
वर्जन्स उपलब्ध हैं। वेब पेज साधारण टेक्स्ट फाइलां हैं जो किसी भी टेक्स्ट एडिटर या वर्ड प्रोसेसर जिवे कि नोटपैड वर्डपैड आदि की वरतों नाल बनाए जा सकते हैं। एक वेब पेज नूं किवें बनाउणा है अते प्रदर्शित किवें करना है आओ ये सीखते हैं। सब तो पहला स्टार्ट बटन उत्ते क्लिक करो। रन बॉक्स विच नोटपैड NOTEPAD टाइप करो। तुहाडे सामने नोटपैड दी विंडो नजर आवेगी। नोटपैड विच हुण HTML कोड टाइप करो अते इसनू सेव करो। सेव करन लई फाइल टैब दी चोन करो, सेव उते क्लिक करो। अपनी फाइल दा नाम लिखो HTML। HTML फाइल दी एक्सटेंशन .html जा .html हुंदी है। सेव उते क्लिक करो। HTML डॉक्यूमेंट किसी भी वेब ब्राउजर जिवे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम राही वेख्या जा सकता है। फाइल नू सेव करन तो बाद तुहानू इस तरह दा आइकन नजर आवेगा। तुसी इस आइकन ते डबल क्लिक करो तुहाडी फाइल खुल जावेगी। बच्चो जो असी टाइटल टैग विच माई फर्स्ट पेज लिखिया सी ओ सानू वेब पेज ते टाइटल ते दिख रहा है अते बॉडी टैग दे विच वेलकम टू HTML लिखिया सी ओ सानू वेब पेज ते दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चो टैग्स। उपभोक्तावां नू आकर्षित करन लई सानू अपने वेब पेज नू आकर्षक बनाउणा हुंदा है जिस विच टेक्स्ट ग्राफिक्स अते लिंक शामिल हो सकते हैं। HTML विच असी ओह टैग वर्त सकते हैं जो कि एंगल ब्रैकेट विच परिभाषित हुंदे हैं। टैग एक एलिमेंट दे आले दुआले एंगल ब्रैकेट लगाउण नाल बनदा है जो किसी टेक्स्ट दे तौर ते जानिया जांदा है। आम तौर ते टैग्स ओपनिंग अते क्लोजिंग जोड़े दे रूप विच उपलब्ध हन। इना टैग्स नूं दो श्रेणियां विच वंडिया जांदा है, कंटेनर टैग अते एम्प्टी टैग। सब तो पहला कंटेनर टैग बारे पढ़दे हां। एह शुरुआती टैग अते समाप्ति टैग नाल किरिया होया हुंदा है। कंटेनर टैग जोड़ियां दे रूप विच आउंदे हन। ओपनिंग अते क्लोजिंग जिन्हां विच कंटेंट्स हुंदे हन इसनू पेयर टैग्स भी कहा जांदा है। इस विच हर टैग खोलिया अते बंद कीता जांदा है। उदाहरण लई जदों असी अपना टेक्स्ट इटैलिक करना चाहुंदे हां तां टेक्स्ट टैग आई अते स्लैश टैग आई विचकार पा सकदे हां। नेक्स्ट देखो बच्चियो एम्प्टी टैग्स। यह एलिमेंट नूं एम्प्टी टैग जां खाली टैग कहा जांदा है अते इस विच केवल एक शुरुआती टैग ही हुंदा है क्योंकि इस कोल कोई कंटेंट नहीं हुंदा। एम्प्टी टैग विच एंडिंग टैग नहीं हुंदा। उदाहरण लई ब्रेक टैग दी वरतों दित्ती गई लाइन नूं तोड़न लई कीती जांदी है जिथे वरत्या जांदा है। आओ बच्चों हुण कुछ आम वरते जाण वाले कंटेनर टैग्स बारे पढ़िए। सब तो पहला बोल्ड टैग। यह टेक्स्ट नूं बोल्ड करन लई वरत्या जांदा है। नेक्स्ट है इटैलिक टैग। यह टेक्स्ट नूं इटैलिक करन लई वरत्या जांदा है। अंडरलाइन टैग टेक्स्ट नूं अंडरलाइन करन लई वरत्या जांदा है। सुपरस्क्रिप्ट टैग SUP टेक्स्ट नूं
सुपरस्क्रिप्ट करने लई वरत्या जांदा है, जिनू असी रेस टू पावर भी कहते हैं। नेक्स्ट टैग है सबस्क्रिप्ट टैग। टैक्स नू सबस्क्रिप्ट करने लई वरत्या जांदा है। देखो बच्चो, असी एच सबस्क्रिप्ट टैग लगाया है, विच दो लिखिया है, उस तो बाद स्लैश सबस्क्रिप्ट यानी टैग नू बंद कर दिता गया है, ओ लिखिया है, यानी टू ते सबस्क्रिप्ट टैग अप्लाई होवेगा। नेक्स्ट है स्ट्राइक टैग। टेक्स्ट दे विच्चों स्ट्राइक करन ले वर्त्या जांदा है। स्ट्राइक टैग टेक्स्ट नू विच्चों स्ट्राइक करन ले वर्त्या जांदा है, यानी एक लाइन खिंचन ले वर्त्या जांदा है। टीटी टैग यानी टाइपराइटर टैग टेक्स्ट नू टाइपराइटर फॉन्ट करन ले वर्त्या जांदा है। आओ बच्चों, हुण असी एट्रीब्यूट्स बारे पढ़दे हां। एट्रीब्यूट्स एक टैग दे गुण शुरुआती टैग विच दर्शाए जांदे हन। दो टैग दी विशेषतावां नू दर्शाउंदे हन। आओ हुण टैग्स अते एट्रीब्यूट दे विच अंतर पढ़िए। टैग्स अजिहियां हिदायतां हुंदियां हन जो सूचना नू वैब पेज ते प्रदर्शित करदियां हन। टैग्स विच एट्रीब्यूट शामिल हो सकते हैं। यह दो तरह के होंगे, एम्प्टी टैग अते कंटेनर टैग। उदाहरण लई टेबल टैग। दूजे तरफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट एक टैग की विशेषता दर्शाता है। एट्रीब्यूट्स एलीमेंट्स के ओपनिंग टैग का हिस्सा होंगे है। एट्रीब्यूट्स की किस्म वरते जा रहे टैग्स से निर्भर कर दिया हैं, भाव की हरेक टैग के एट्रीब्यूट की संख्या अलग अलग हो सकती है। उदाहरण लई टेबल बॉर्डर बराबर है 3। इत्थे टेबल एक टैग है अते बॉर्डर एक एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट है बच्चों बॉडी टैग्स अते एट्रीब्यूट्स। बॉडी टैग HTML डॉक्यूमेंट का मुख्य हिस्सा है, जिस विच वेब पेज के बारे जानकारी मौजूद है। इस टैग विच वर्तिया जांदियां मुख विशेषतावां यानी एट्रीब्यूट्स हन बैकग्राउंड, बीजी कलर अते टेक्स्ट। आओ बच्चों, सब तो पहला बैकग्राउंड एट्रीब्यूट बारे पढ़ते हां। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट वेब पेज दी बैकग्राउंड नूं परिभाषित करता है। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट दी वरतों बॉडी टैग विच ही कीती जांदी है। नेक्स्ट है बीजी कलर एट्रीब्यूट। बैकग्राउंड का रंग बदलने लई बॉडी टैग विच बीजी कलर एट्रीब्यूट वरत्या जांदा है। उदाहरण लई बॉडी टैग बीजी कलर इज इक्वल टू रेड। तुसी इस दी आउटपुट देख सकते हो, तुहाडा वेब पेज रेड कलर का हो गया है, यानी लाल रंग का हो गया है। तुसी अपना मनपसंद कलर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्स्ट एट्रीब्यूट। टेक्स्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट दे रंग नू परिभाषित करता है, जिवें कि बॉडी बीजी कलर जो कि बैकग्राउंड कलर बताएगा। बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू रेड, जिस नाल वेब पेज का बैकग्राउंड रेड कलर का आ जाएगा। टेक्स्ट इज इक्वल टू वाइट, जेड़ा भी टेक्स्ट उस बैकग्राउंड ते तुहानू नजर आवेगा वह वाइट कलर का होगा। हैडिंग टैग्स। हैडिंग टैग नू हैडिंग नू बनाण लई वरत्या जांदा है। हैडिंग टैग दे 6 पद्धर हुंदे हन। पद्धरां नू हैडिंग 1 तों 6 तक अंकित कीता जांदा है। दित्ते गए सारे पद्धर दे हैडिंग एक ही फॉन्ट विच हुंदे हन। जदों असी हैडिंग 1 तों हैडिंग 6 तक चलदे हां तां फॉन्ट साइज घट जांदा है। नेक्स्ट है बच्चों फॉन्ट टैग। फॉन्ट टेक्स्ट दा
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਟਾਈਲ ਯਾਨੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੌਂਟ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਫਾਰਮੈਟ ਫੌਂਟ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਟਾਈਲ, ਫੇਸ, ਕਲਰ ਯਾਨੀ ਰੰਗ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਯਾਨੀ ਸਾਈਜ਼। ਫੌਂਟ ਸਟਾਈਲ, ਫੌਂਟ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਡ, ਇਟੈਲਿਕ ਅਤੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ। ਫੌਂਟ ਫੇਸ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਫੇਸ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਪ ਫੇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੌਂਟ ਕਲਰ, ਫੌਂਟ ਕਲਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੌਂਟ ਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼, ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੌਂਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 7 ਦੇ ਮੁੱਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ 7 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਟੈਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਟੈਗ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਟੈਗ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਬਲੌਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੋ ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਅਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮੁੱਲ ਸੈਂਟਰ, ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਟੈਗ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲੈਸ਼ ਪੀ ਨਾਲੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਟ ਨਾਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਟੈਗ ਹੈਲੋ ਵਰਲਡ ਤੇ ਸਲੈਸ਼ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਟੈਗ ਜੋ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟੈਗ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਟੈਗ ਇਹ ਇੱਕ ਐਮਪਟੀ ਟੈਗ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਟੈਗ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਮਪਟੀ ਟੈਗ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਟੈਗ ਹੈਲੋ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਲਿਸਟਾਂ। ਵੈਬ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਜ਼ਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਸਟਾਂ ਯਾਨੀ ਸੂਚੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ, ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ। ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਨੰਬਰਡ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਏ ਅਪਰ ਕੇਸ ਲੈਟਰ, ਸਮਾਲ ਏ ਰੋਮਨ ਦਾ ਆਈ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਰੋਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਸਟਾਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਆਰਡਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਓ ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਸਨ, ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਟਾਰਟ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਨਆਰਡਰ ਲਿਸਟ, ਉਹ ਸੂਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਗ ਯੂਐਲ ਅਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਟੈਗ ਸਲੈਸ਼ ਯੂਐਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟ ਸੂਚੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਿਫਾਲਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਡਿਸਕ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਸ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਡਿਸਕ, ਸਕੁਐਰ ਤੇ ਸਰਕਲ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਯੂਐਲ ਟਾਈਪ ਯਾਨੀ ਅਨਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਟਾਈਪ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੀਐਲ ਟੈਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲੈਸ਼ ਡੀਐਲ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਟੈਗਸ ਹਨ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਟਰਮ ਡੀਟੀ ਟੈਗ ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡੀਡੀ ਟੈਗ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਮੇਜਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ HTML ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਕਸਟ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਮ ਪੇਜ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤਸਵੀਰ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮੇਜਸ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਈਕਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਫਾਰਮੈਟਸ ਹਨ JPEG, JPG, GIF ਅਤੇ PNG। ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਹੈ ਇਮੇਜ ਸੋਰਸ ਯਾਨੀ IMG SRC। ਇਮੇਜ ਸੋਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਲ ਟੈਬ ALT, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਟੈਕਸਟ। ਇਹ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਵਿਡਥ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਪਿਕਸਲ ਤੇ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਪਿਕਸਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਹਾਈਟ। ਹਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਚਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਿਕਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈਬ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਚਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਅਲਾਈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ। ਅਲਾਈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵਿੰਡੋ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਲਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੈਫਟ, ਰਾਈਟ, ਬੋਟਮ ਅਤੇ ਟੌਪ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਸੋਰਸ computer.jpg ਹੈ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਲਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਿਕ ਸ਼ੋਨ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਹਾਈਟ 50% ਅਤੇ ਵਿਡਥ 30% ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੈਬ ਹੈ ਟੇਬਲਸ ਟੈਗ। ਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲੈਸ਼ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ, ਟੇਬਲ ਰੋ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਡਾਟਾ। ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ TH ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲੈਸ਼ TH ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਰੋ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਟੇਬਲ ਦੀ ਰੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
tr टैग नाल ए शुरू हुंदा है अते स्लैश tr नाल बंद हुंदा है। नेक्स्ट टैग है टेबल डाटा। टेबल विच स्टोर कीती जानकारी नूं परिभाषित करदा है। यह td टैग नाल शुरू हुंदा है अते स्लैश td टैग नाल बंद हुंदा है। बच्चों तुहाडे सामने टेबल टैग दा एक उदाहरण है। सब तो पहला टेबल टैग परिभाषित किया जाता है, उस तो बाद टेबल रो अते टेबल रो दे अंदर सब तो पहला टेबल हेडिंग्स आन गया, नेक्स्ट होना दे टेबल डाटा आएगा। तो आपके सामने इसकी आउटपुट है। नेक्स्ट है बच्चों टेबल टैग्स दे एट्रीब्यूट्स। टेबल टैग्स दे चार एट्रीब्यूट्स हैं। बॉर्डर, बॉर्डर एट्रीब्यूट टेबल दे बॉर्डर दी चौड़ाई परिभाषित करता है। अलाइन, अलाइन एट्रीब्यूट ब्राउजर विच टेबल दे अलाइनमेंट नु परिभाषित करता है जो कि लेफ्ट राइट या सेंटर हो सकते हैं। बॉर्डर कलर ए बॉर्डर दी रंग नु परिभाषित करता है। तुसी अपना मनपसंद बॉर्डर कलर चुन सकते हो। विड्थ, विड्थ टेबल दी चौड़ाई नु परिभाषित करता है। बच्चों तुहाडे सामने एक एग्जाम्पल है। सब तो पहला टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 5, बॉर्डर कलर रेड, बीजी कलर यानी बॉर्डर दा यानी टेबल दा बैकग्राउंड कलर और असी क्यान दिता है। अलाइनमेंट राइट है, तुसी देखोगे विंडो दे सज्जे पासे साडा टेबल डिस्प्ले हो रहा है अते विड्थ 50% है। बच्चों अगला टॉपिक है कॉल स्पैन अते रो स्पैन। कई बारी सानू कई कॉलम्स इकट्ठे करन दी जरूरत पैंदी है। एक हेडर सेल लई वर्त्या जा सकदा है। यह कई एंट्रियां दे कॉलम दे समूह नूं टाइटल देन लई वर्त्या जांदा है। बच्चों जदों तुसी एमएस वर्ड विच टेबल दी वर्तों करदे हो तुसी कॉलम्स जा रोज नूं मर्ज करदे हो। यह भी कुछ उसी तरह दा है। जदों तुसी कॉलम्स नूं मर्ज करदे हो तां उसनूं कॉल स्पैन कहा जांदा है अते जदों रोज नूं मर्ज करोगे तां उसनूं रो स्पैन कहा जाएगा। यह सानूं एक टेबल दे एक सैल दी चौड़ाई नूं एक तो वध सैलां जां कॉलम तक वधाउण दी आग्या दिंदा है। कॉल स्पैन एट्रीब्यूट दी वरतों TH टैग अते TD टैग यानी टेबल डाटा टैग विचकार कीती जांदी है। यह एक्सेल वर्गे स्प्रेडशीट प्रोग्रामा विच मर्ज वर्गी क्रिया प्रदान करता है। हुण देखो रोज स्पैन। कई बार सानू रोज इकट्ठियां करन दी जरूरत पैंदी है। यह किसे साइड बारे किसे साइड भी वर्त्या जा सकता है जो कि कतारां दियां एंट्रियां दा समूह है। दा यह सानू एक टेबल्स दे एक रोज दी ऊंचाई नू एक तो वध सेल जां रो तक वधाउण दी आग्या दिंदा है। रो स्पैन एट्रीब्यूट दी वरतों TH अते TD टैग दे विचकार कीती जांदी है। यह एक्सेल वर्गे स्प्रेडशीट प्रोग्रामा लई मर्ज सेल वर्गी इक्को जही क्रिया प्रदान करदा है। इस दा एग्जांपल देखो TH रो स्पैन इज इक्वल टू 2। बच्चों नीचे एक तस्वीर दिती गई है। कॉल स्पैन च तुसी देखोगे दो कॉलम मर्ज हो चुके हैं अते रो स्पैन च देखोगे कि दो रोज मर्ज हो चुके हैं। टेबल बैकग्राउंड, साडा नेक्स्ट टॉपिक है टेबल बैकग्राउंड। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट दी वरतों टेबल दी बैकग्राउंड सेट करन लई कीती जांदी है। इसका उदाहरण देखो टेबल
background is equal to computer.jpg। जो भी तस्वीर असी सिलेक्ट करांगे वो टेबल दे बैकग्राउंड विच डिस्प्ले हो जाएगी। मैनु उम्मीद है बच्चों तुसी पाठ नूं बहुत ध्यान नाल समझा होगा। आओ हुण अभ्यास करिए। सब तो पहला खाली थावां भरो। HTML दा पूरा नाम डैश है। इसका सही उत्तर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक अनऑर्गेनाइज्ड लिस्ट दर्शाने लई डैश सूची वरती जाती है। इसका सही उत्तर है अनऑर्डर्ड लिस्ट। डैश टैग दी सूची दे एलिमेंट्स परिभाषित करने लई वरती जाती है। सही उत्तर है लिस्ट टैग। ALT दा मतलब है डैश। सही उत्तर है अल्टरनेट टेक्स्ट। डैश HTML दस्तावेज दा मुख्य हिस्सा है जिस विच वेब पेज दे बारे सारी जानकारी मौजूद हुंदी है। इसका सही उत्तर है बॉडी टैग। डैश विच टाइटल शामिल हुंदे हन जो कि HTML दस्तावेज दे हेडिंग दी पहचान करदे हन। इसका सही उत्तर है हेड टैग। नेक्स्ट है बच्चों सही जा गलत। HTML एक स्ट्रक्चर्ड भाषा है। यह सही है। सेकंड सही गलत है। टेबल सिरलेख TH टैग ना शुरू हुंदा है अते स्लैश TH टैग ना खत्म हुंदा है। यह सही है। थर्ड सही गलत है। अलाइन टैग वेब पेज दिया होर कंटेंट दे मुकाबले अटैच इमेजा दी अलाइनमेंट नहीं करदा। यह गलत है। सेल पैडिंग सेल संखेपा अते सेल दी सरहद विचकार पिक्सल स्पेस है। यह सही है। परिभाषा सूची विच आम तौर ते वख-वख नियम अते उन्हां दे अर्थ दी परिभाषा शामिल हुंदी है। यह सही है। अगला प्रश्न है बच्चों पूरे नाम दसो। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बी टैग यानी बोल्ड। आई इटैलिक। यू अंडरलाइन। ओएल ऑर्डर्ड लिस्ट। यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट। पी पैराग्राफ। बीआर ब्रेक टैग। एसआरसी सोर्स। आईएमजी इमेज। टीआर टेबल रो। TH टेबल हेडिंग। TD टेबल डाटा। LI लिस्ट। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बहुत छोटे प्रश्नों के उत्तर। उस टैग का नाम दसो जो शुरू अते अंत विच वर्त्या जांदा है। HTML टैग। सेकंड उस टैग का नाम दसो जिस विच सारे वेब पेज दी सूचना स्टोर हुंदी है। बॉडी टैग। HTML दस्तावेज नू सेव करन लई केडी एक्सटेंशन वर्ती जांदी है। .html जा .htm। उस टैग दा नाम दसो जो कि एम्प्टी टैग है अते लाइन नू तोड़न लई वर्त्या जांदा है। ब्रेक टैग। बहु चोनवे प्रश्न। किसे भी HTML दस्तावेज विच पहला टैग की होना चाहिदा है। इसका सही उत्तर है HTML। लाइन ब्रेक पौन लई सही HTML टैग की है। ब्रेक टैग। एक वेब पेज तस्वीर दिखाउंदा है। इस तस्वीर नू प्रदर्शित करन लई केड़ा टैग वर्त्या जांदा है।
वेरी गुड बच्चों, इसका सही उत्तर है इमेज टैग। HTML विच डिजाइन किते पेज नू की कहते हैं? वेब पेज। HTML दस्तावेज नू सेव करने लिए डैश एक्सटेंशन वरती जाती है। वेरी गुड बच्चों, .htm और .html। सिक्स्थ है टेबल टैग विच होर वरते जाते टैग्स केड़े हन? TR टैग यानी टेबल रो टैग, TD टैग टेबल डाटा टैग, आते TH टैग यानी टेबल हेडिंग टैग। मैनू उम्मीद है बच्चों तुहानू अभ्यास आंदा होगा। अगर तुहानू ये वीडियो चंगी लगी है तो इसनू लाइक करो, अते होर वीडियोज देखने लई सबसक्राइब करो। थैंक यू।